बाफना ज्वेलर्स, चोख सोनं, चांदी आणि हिऱ्याच्या हॉलमार्क प्रमाणित दागिन्यांचे सुवर्ण दालन. संपर्क 9422-49590. हसनैन फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष, मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशन युवा शहर अध्यक्ष व सय्यद मुशीर यांचे खंदे समर्थक शकील तांबोली यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलाय. मुंबईच्या टिळक भवन येथे माजी गृहराज्यमंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान, प्रदेश काँग्रेस अल्पसंख्याक विभाग प्रदेशाध्यक्ष MM शेख, मोहम्मद अहमद खान, महाराष्ट्र प्रभारी राष्ट्रीय समन्वयक आकाशजी छाजेड, माजी हज कमिटी अध्यक्ष इब्राहिम भाईजान, माजी आमदार हुस्नबानो खलेफा, प्रदेश महासचिव जावेद इब्राहिम, जिल्हाध्यक्ष रऊफ कोकणी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शकील तांबोळी यांचा हा प्रवेश सोहळा संपन्न झालाय. शकील तांबोळी हे सामाजिक कार्यात सदैव अग्रेसर असतात. गेल्या 2 वर्षांपासून कोरोना सारख्या महामारीने मोठं थैमान घातलं होतं. या काळात अनेकांना तांबोळी यांच्या वतीने नागरिकांना मोठी मदत देखील करण्यात आली आहे. अनेकांना किराणांचे वाटप देखील तांबोळी यांच्या वतीने करण्यात आलंय, ज्यामुळे अनेक गरजूंना याची मोठी मदत झाली आहे. त्यातच आता पेट्रोल आणि डिझेल व गॅस सिलेंडर यांच्या किमतीत झालेली वाढ यांमुळे सर्वसामान्य जनतेला मोठ्या समस्येला सामोरं जावे लागत आहे. या सर्व विषयांवरून जनतेसाठी पुढे जाऊन काँग्रेसच्या माध्यमातून आपण आवाज उठवणार असल्याचं देखील तांबोळी यांनी म्हटलं आहे. येत्या काळात काँग्रेसला बळकट देण्यासाठी आपण देखील काँग्रेसमध्ये सामील होऊन काँग्रेस पक्षाला बळकटी देण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन देखील शकील तांबोळी यांनी केले आहे. मैं शकील तांबोळी, हसनैन फाउंडेशन का संस्थापक अध्यक्ष, मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनाइज का युवा शहर अध्यक्ष. कल जुमा के दिन मैंने बॉम्बे जाकर हमारे जावेद इब्राहिम साहब और जिला अध्यक्ष रऊफ कोकणी साहब के साथ जाकर गृह राज्य मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब, प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष MM शेख साहब, मोहम्मद अहमद खान साहब महाराष्ट्र प्रभारी के हाथों से कांग्रेस में मैंने प्रवेश किया. प्रवेश करने का मेरा यही मतलब था कि आप सब लोग जानते हैं कि 2014 से पहले काफ़ी अच्छे दिन हम लोग के थे और 2014 लगने के बाद आज हमारे बहुत बुरे हाल हो चुके हैं. गैस की टाकी का भाव, पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव आसमान छू रहा है. हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. तो फिर मैं एक समाज सेवक, 2-3 साल से मैं एक फाउंडेशन चला रहा हूँ, देख रहा हूँ बड़ी हालत ख़राब है. मैं इतना राशन बांटने के बाद भी, इतना सब कुछ गरीबों के घर तक पहुंचाने के बाद भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. काफ़ी लोग बच जाते हैं, परेशानी से रोते हैं कि आज बड़ी परेशानी हम लोग को झेलना पड़ रही है. तो फिर मैंने सोचा हो कि कहीं ना कहीं मुझे कांग्रेस में प्रवेश करना चाहिए, कांग्रेस को साथ देना चाहिए, कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, ताकि हमारी गुर्बत, गरीबी और ये पेट्रोल का भाव, गैस की टाकी का भाव दूर हो जाए. तो इसलिए मैंने जाकर कांग्रेस में प्रवेश किया हो और मुझे कांग्रेस पार्टी पर, सोनिया गांधी पर और राहुल गांधी जी पर बड़ा भरोसा है. इनकी सरकार बनने के बाद हमें इतनी बुराइयों से सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये सोचकर कांग्रेस में प्रवेश किया हो. और मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को मजबूत करें, ताकि हमारे को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा इसलिए करना पड़े इसलिए आइए सब मिलकर कांग्रेस में प्रवेश करें, कांग्रेस को मजबूत करें. इसलिए मैंने कांग्रेस में प्रवेश किया हो और इंशाल्लाह कांग्रेस को नासिक के अंदर जितना हो सका उतना मजबूत करने का काम मैं करूंगा. अस्सलाम वालेकुम. नाइन न्यूज साठी प्रतिनिधि इसाक कुरेशी, नाशिक.